हेलो दोस्तों, आज तो जमैका टी ट्वेंटी लीग का वॉरियर्स वर्सेस टाइटन के बीच में जो मैच होने वाला दोस्तों, इस मैच का रिव्यू हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों टी टेन का ये मैच रहेगा दोस्तों, अभी तक अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें दोस्तों, सभी प्लेयर्स का टी टेन का रिकॉर्ड और टी ट्वेंटी का रिकॉर्ड दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। हेड टू हेड के रिकॉर्ड दोस्तों इनके दो मैच हार रहे हैं, उनके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स की क्या कुछ परफॉर्मेंस रही वो भी बताऊंगा। पिच रिपोर्ट दोस्तों इस मैच का की फैक्टर रहने वाली है, उसको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ड्रीम इलेवन की टीम भी क्रिएट करने वाले हैं। फाइनल अपडेट जो रहेगा दोस्तों, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर्स अगर खेलता है जिसका रिकॉर्ड आपको इस वीडियो के अंदर मैं कवर नहीं करवा रहा हूँ, उसका रिकॉर्ड मैं आपको दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर देने वाला हूँ। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल अपडेट दोस्तों और फाइनल टीम जो रहने वाली टॉस होने के बाद में, वो आपको दोस्तों मैं वहीं पर ही प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में अगर देखें दोस्तों, हेड टू हेड के अंदर दोनों टीमों के बीच में टोटल दो मैच खेले गए हैं दोस्तों। दोनों ही टीमों ने एक एक मैच विन किया, जो कि दोस्तों तेज करते हुए विन किया गया है। एवरेज स्कोर दोस्तों दोनों का सेम रहा है, वहीं पर हाईएस्ट स्कोर भी दोनों का सेम ही अभी तक रहा है, लोएस्ट स्कोर भी सेम रहने वाला है दोस्तों। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड के अंदर टॉप थ्री प्लेयर्स जो रहने वाले हैं मोस्ट रनों की अगर बात करें दोस्तों, जेमी मर्चेंट के नाम रही है, दो मैच के अंदर 56 रन इन्होंने हेड टू हेड के अंदर बनाए हुए हैं। वही पर दोस्तों एंड्रे मैकर्टी की अगर बात करें, ऑलराउंडर ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे, दो मैच के अंदर 40 रन इनके नाम रहे हैं। वही पर दोस्तों डेमिन एबैंक्स की बात करें तो दो मैच के अंदर 35 रन इनके नाम अभी तक हेड टू हेड के अंदर रहे हैं। वही पर दोस्तों मोस्ट विकेट की अगर बात करें हेड टू हेड के अंदर दोस्तों, मिखेल सिल्वर के नाम रहे हैं, एक मैच के अंदर 3 विकेट। लास्ट मैच के अंदर इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, हो सकता है इस मैच के अंदर आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। मैकेटी की अगर बात करें दोस्तों, दो मैच के अंदर दो विकेट इनके नाम रहे हैं हेड टू हेड के अंदर। वहीं पर दोस्तों गोल्डन के नाम भी दो मैच के अंदर 2 विकेट हेड टू हेड के अंदर अभी तक रहे हैं दोस्तों। ये इनका दोनों टीमों का हेड टू हेड का रिकॉर्ड रहने वाला है, दो ही मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए, जो कि रिकॉर्ड दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दिया है। लास्ट मैच की जो प्लेइंग रही थी उसके हिसाब से रिकॉर्ड देखेंगे, उससे पहले दोस्तों इनके जो पिच रिपोर्ट रहने वाली है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पिच रिपोर्ट दोस्तों, ये सबीना पार्क के अंदर ये मैच होने वाला है दोस्तों। इस ग्राउंड के ऊपर टोटल 39 मैच टी टेन के खेले जा चुके हैं। एवरेज स्कोर 93 रन रहा है। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 12 मैच विन किए, चेज करने वाली टीम ने दोस्तों 27 मैच विन किए हुए हैं। इस सीरीज के दोस्तों मात्र एक ही मैच रहा है जो कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने विन किया है, बाकी सारे के सारे जो मैच रहे दोस्तों वो चेज करने वाली टीम ने विन किए हुए हैं। पेसर्स की अगर बात करें दोस्तों, 39 मैच के अंदर दोस्तों 1 विकेट इनके नाम रहे हैं। वहीं पर स्पिनर्स की अगर बात करें तो 39 मैच के अंदर 82 विकेट स्पिनर्स ने निकाले हुए हैं। लेकिन दोस्तों रिसेंटली लास्ट 5-6 इनिंग्स का अगर रिकॉर्ड देखें तो दोस्तों स्पिनर्स भी अच्छे खासे विकेट निकाल रहे हैं। बाकी दोस्तों बॉलर्स को ही अपनी टीम के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप पिक करते हो तो थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों बॉलर ज्यादा विकेट निकाल रहे हैं और दोस्तों बॉलर्स के पॉइंट भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। वॉरियर्स के दोस्तों लास्ट मैच की जो प्लेइंग इलेवन रही थी उसके हिसाब से अगर यहाँ पे रिकॉर्ड देखें दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर जॉर्डन ओपनिंग करने आए थे। अभी तक दोस्तों 3 मैच T10 के खेल चुके हैं, 3 मैच के अंदर 15 और 5 रन की दो पारियां आई हुई है। लास्ट मैच के अंदर 15 रन की पारी इन्होंने खेली थी। वही पर दोस्तों डेमिस स्मिथ की डिवेरियो स्मिथ की अगर बात करें दोस्तों, 2 मैच अभी तक खेले हुए, 2 मैच के अंदर 29 रन, लास्ट मैच के अंदर 7 रन बनाए थे। सेकंड लास्ट मैच के अंदर 22 रन की पारी इनकी आई थी, ओपनिंग करने वाले हैं। एंड्रे मैकर्टी दोस्तों इनका रिकॉर्ड हेड टू हेड के अंदर रिकॉर्ड शानदार रहा है, तकरीबन 40+ के आसपास रन और 2 विकेट भी इनके नाम हेड टू हेड के अंदर रहे हैं। उसके साथ में दोस्तों टोटल अगर रिकॉर्ड देखें 8 T10 के मैच खेल चुके हैं, 126 रन और 5 विकेट अभी तक इनके नाम रही है। लास्ट अगर 4-5 इनिंग्स का रिकॉर्ड अगर देखें दोस्तों, 23 रन इनका ये स्कोर। और दोस्तों लास्ट मैच के अंदर इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, ये थोड़ा सा इश्यू रहने वाला है। अगर दोस्तों ये बॉलिंग करते हैं तो आपको विकेट भी निकाल के दे सकते हैं। रिसेंटली दोस्तों मिनोर T20 लीग खेल के आ रहे हैं, 23 मैच के अंदर 395 रन, 20 विकेट वहां पे ये इन्होंने निकाले थे। थाबी की अगर बात करें दोस्तों, नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करने वाले हैं, 1 मैच अभी तक खेला हुआ है दोस्तों, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहने वाला। लास्ट मैच के अंदर डक पर आउट हो गए थे, बॉलिंग नहीं कर रही है। T20 का रिकॉर्ड इनका रहा है, 2 मैच के अंदर 6 रन और कोई विकेट इनके हाथ अभी तक नहीं लगा है। 2022 के अंदर ये T20 के मैच खेले गए थे। नंबर 5 की अगर बात करें दोस्तों, नंबर 5 के ऊपर आपको यहाँ पे डेमिन एबैंक्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी तो दोस्तों T10 का रिकॉर्ड इनका 12 मैच के अंदर 100 रन और 5 विकेट इनके नाम रहे दोस्तों, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करने वाले हैं। लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर 25 रन आई स्कोर, लास्ट मैच के अंदर डक पर आउट हो गए थे, लास्ट मैच के अंदर विकेट भी नहीं मिला था। लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर 3 विकेट टोटल इनके नाम रहे हैं। एंड्रे वाल्कर की बात करो दोस्तों, नंबर 6 के ऊपर बैटिंग करने वाले हैं, 2 मैच खेल चुके हैं, 10 रन इनके नाम रहे, विकेट नहीं निकाल पाए हैं। वही पर दोस्तों लेनॉक्स सिम्पसन की अगर बात करें तो नंबर 7 के ऊपर बैटिंग करेंगे, 2 मैच के अंदर 5 रन और 1 विकेट इनके अभी तक नाम रहा है T10 के अंदर। नंबर 8 की बात करें दोस्तों, आपको यहाँ पे नेम्बर्ड आपको यहाँ पे खेलते हुए दिखने वाले हैं, 2 मैच खेल चुके हैं, 2 ही रन इनके नाम रहे, विकेट नहीं निकाल पाई है। T20 का रिकॉर्ड इनका रहा है दोस्तों, 8 मैच के अंदर 12 रन और 9 विकेट अभी तक निकाले हुए हैं दोस्तों, ये इनका T20 का रिकॉर्ड रहने वाला है।
नंबर 9 की अगर बात करें दोस्तों, लास्ट मैच की प्लेइंग 11 के हिसाब से दोस्तों, आप यहाँ पे मिंडले को आप यहाँ पे दोस्तों नंबर 9 के ऊपर देखने वाले हैं। 4 मैच खेल चुके हैं, 8 रन इनके नाम रहे हैं, विकेट नहीं निकाल पाए हैं। एंड्रे ब्लैक की बात करें दोस्तों, नंबर 10 के ऊपर खेलेंगे, 2 मैच खेल चुके हैं टीटीएन के, 1 विकेट इनके नाम अभी तक रहा है। वहीं पर दोस्तों अलमार की अगर बात करें तो 11 नंबर के ऊपर खेलने वाले, लास्ट 500 इनिंग्स के अंदर एक विकेट इनके नाम रहा, जो कि दोस्तों लास्ट मैच निकाला था, वही इनका दोस्तों एकमात्र विकेट रहने वाला है टीटीएन के अंदर। बाकी दोस्तों इनके 4 एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहने वाले हैं, उनका रिकॉर्ड भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अगर ये खेलते दोस्तों आप इनको भी अपनी टीम के अंदर पिक कर सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर्स अगर खेलता तो उनका रिकॉर्ड दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करवा दूंगा। फिलहाल दोस्तों अगर सेकंड स्क्वाड की अगर बात करें दोस्तों, टाइटन के जो स्क्वाड रही थी लास्ट मैच की प्ले ग्राउंड के हिसाब से, एल्बर्ट गोपी दोस्तों लास्ट मैच में ओपनिंग करने आए थे, बैटिंग साइड से दोस्तों स्कोर नहीं कर पा रहे, 20 रन इनका ये स्कोर है जो कि लास्ट सीजन इन्होंने बनाया था। लास्ट मैच के अंदर भी दोस्तों फ्लॉप रहे थे बैटिंग साइड से, लेकिन लास्ट दोनों मैच के अंदर एक एक विकेट इनके नाम रहा है। 7 मैच खेल चुके हैं, 3 ही विकेट इनके नाम रहे, 36 रन अभी तक बनाए हुए हैं। वाइन डेविस की बात करें दोस्तों, विकेट कीपिंग काफी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, 12 मैच के अंदर 184 रन टीटीएन के अंदर बना चुके हैं। लास्ट 5 सीरीज के अंदर दोस्तों 37 रन इनका ये स्कोर रहा है, लास्ट मैच के अंदर भी 20 रन की पारी खेली थी। टी20 का रिकॉर्ड इनका रहा है, 5 मैच के अंदर 56 रन, 2022 के अंदर इन्होंने बनाए थे। एंटोनी ब्राउन दोस्तों 3 नंबर के ऊपर बैटिंग करेंगे, 2 मैच के अंदर 14 रन इनके नाम रहे, टी20 का रिकॉर्ड इनका रहा है, 5 मैच के अंदर 40 रन। वहीं पर दोस्तों सेल्डन एलन दोस्तों लास्ट मैच के अंदर नंबर 4 के ऊपर खेले थे, ये दोस्तों काफी अच्छी ऑप्शन रहने वाली, लास्ट मैच के अंदर 18 रन की पारी खेली थी, सेकंड लास्ट मैच में 25 रन की पारी इनकी आई हुई है। रिसेंट दोस्तों हर मैच के अंदर स्कोर ये कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी शानदार रहा है, 7 मैच के अंदर 137 रन टोटल इनके नाम रहे दोस्तों टी10 के अंदर। टी20 का रिकॉर्ड इनका रहा है, 6 मैच के अंदर 62 रन, 3 विकेट 2022 के अंदर इन्होंने ये स्कोर किए थे। नंबर 5 की अगर बात करें दोस्तों, नंबर 5 के ऊपर आपको यहाँ पे जमी मर्चेंट आपको यहाँ पे मिलने वाले दोस्तों, ये भी ऑलराउंडर रहने वाले हैं, बॉलिंग भी दोस्तों आपको पूरी 2 ओवर आपको करके देने वाले हैं। लास्ट मैच के लिए विकेट नहीं निकाल पाए थे दोस्तों, 2 रन बना के जल्दी आउट भी हो गए थे। हालांकि इनको बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर डाल रखा है, 12 टी10 के मैच खेल चुके हैं, 157 रन, 5 विकेट इनके नाम रहे हैं। रिसेंट दोस्तों बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, साथ में आपको बॉलिंग भी करके देने वाले हैं। सेकंड लास्ट मैच में 1 विकेट भी निकाला हुआ है, 29 रन की पारी भी इनकी आई थी। रेनाल्डो इनग्राम दोस्तों तो लास्ट मैच के अंदर इनको नंबर 6 के ऊपर भेजा गया था, उससे पिछले मैच के अंदर थोड़ा सा टॉप ऑर्डर के अंदर ये खेले थे, 4 टी10 के मैच खेल चुके हैं, 28 रन इनके नाम रहे हैं, लास्ट मैच के अंदर डक पर आउट हो गए थे। टी20 का रिकॉर्ड इनका रहा है ऑल टाइम का, 76 मैच के अंदर 1623 रन टी20 के अंदर। वहीं पर दोस्तों डेमिन ब्रेस्ट की अगर बात करें, नंबर 7 के ऊपर बैटिंग करेंगे, 12 मैच टी10 के खेल चुके हैं, 95 रन इनके नाम रहे हैं, लास्ट 5 सीरीज के अंदर 42 रन की हाईएस्ट स्कोर इनका रहा है, जो कि लास्ट सीजन इन्होंने बनाया था। वहीं पर दोस्तों सेंटोकी की अगर बात करें, नंबर 8 के ऊपर बैटिंग करेंगे, पूरे के पूरे 2 ओवर करने वाले, लास्ट दोनों मैच के अंदर एक एक विकेट इनके नाम रहा है दोस्तों, पूरे 2 ओवर इनके आने वाले हैं, 12 मैच के अंदर 9 विकेट इनके नाम रहे हैं टी10 के अंदर। दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट से थोड़े से बेटर ऑप्शन रहने वाले हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको पिक कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रिकॉर्ड इनका शानदार है दोस्तों, वेस्ट इंडीज की तरफ से भी काफी ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं। नंबर 9 की बात करें दोस्तों, गोल्डन आपको लिए यहाँ पे रहने वाले हैं, रिकॉर्ड इनका भी शानदार रहा है, 10 मैच अभी तक टी10 के खेले हुए, 13 विकेट निकाल चुके हैं, लास्ट दोनों मैच के अंदर एक एक विकेट इनके नाम रहा है। नंबर 10 की बात करूँ दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे साल्टर ब्रुक्स रहने वाले, लास्ट मैच में एक ओवर कट हो गया था, लेकिन दोस्तों एक विकेट भी ये लास्ट मैच के अंदर निकाल गए थे, थोड़ा सा महंगा साबित जरूर रहे थे। क्रिस्टोफर लेमोंड दोस्तों रिसेंटली काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, 2 मैच अभी तक टी10 के खेले हुए, 6 विकेट निकाल चुके हैं, लास्ट मैच के अंदर भी 2 विकेट निकाले थे, सेकंड लास्ट मैच में 4 विकेट इनके नाम रहे थे। सीपीएल का दोस्तों इनका रिकॉर्ड रहने वाला है, 16 मैच के अंदर 14 विकेट इनके। अलावा दोस्तों इनके जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहने वाले हैं, इनका रिकॉर्ड भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, अगर ये प्लेयर खेलते तो आप इनको भी अपनी टीम के अंदर पिक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों रिकॉर्ड के हिसाब से तो लास्ट मैच की प्लेइंग 11 रही थी, उसके हिसाब से यहाँ पे ड्रीम 11 की जो टीम मैंने यहाँ पे पिक की हुई है दोस्तों, ये ओनली डेमो टीम रहने वाली है, फाइनल अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर देने वाला हूँ लाइनअप आने के बाद में और टॉस होने के बाद में, क्योंकि दोस्तों चेंज करने वाली टीम के पास में एडवांटेज रहा है इस सीजन दोस्तों, तकरीबन 90% जो मैच रहे हैं वो चेंज करने वाली टीम ने ही विन किए हैं, और दोस्तों पहले बॉलिंग करने वाली टीम विकेट भी ज्यादा निकाल रही है कंपेयर करें अगर बाद में बॉलिंग करने वाली टीम के साथ में। दोस्तों फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिलने वाला है, फाइनल अपडेट के लिए दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं।